गुड मॉर्निंग। आज अनुबंध और ठहराव की परिभाषा देखने के बाद एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, और बिजनेस लॉ में ये कोटेशन है, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ये कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है और अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस कोटेशन को हम दो भागों में डिवाइड करके सिस्टमेटिक तरीके से इसके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं। पहला भाग है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। अनुबंध की जो डेफिनेशन हमने दी थी, उस डेफिनेशन में जो सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है कि वे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं अनुबंध कहलाते हैं। अनुबंध की ये जो परिभाषा है इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ठहराव जो कि राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं वही ठहराव अनुबंध कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि अनुबंध में ठहराव का होना अत्यंत आवश्यक है, प्राथमिक आवश्यकता है ये। जब तक ठहराव नहीं होगा तब तक अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। जब दो व्यक्तियों के बीच में प्रस्ताव और स्वीकृति का आदान प्रदान होता है उसके बाद ठहराव का निर्माण होता है, तो ठहराव का निर्माण होने के बाद ही अनुबंध बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यानी ठहराव अनुबंध बनने की प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप है, पहला कदम है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अनुबंध होते हैं वो सब ठहराव होते हैं। अगर ठहराव नहीं होगा तो अनुबंध भी नहीं बनेगा। ठहराव बनने के बाद ही अनुबंध बनने की संभावना पैदा होती है। सारे ठहराव अनुबंध बनते हैं या नहीं बनते उसके लिए कुछ और एसेंशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो एसेंशियल्स जो ठहराव अचीव कर लेते हैं वो अनुबंध बन जाते हैं, बाकी ठहराव के लेवल पे ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे अनुबंध ठहराव होते हैं, बिना ठहराव के अनुबंध का निर्माण संभव नहीं है। अब जो दूसरा हेडिंग है, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, ये भी इसी से ही रिलेटेड है। जैसा हमने कहा कि ठहराव अनुबंध का पहला कदम है, लेकिन पहला कदम उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। पहला कदम उठाने के बाद भी और बहुत सारी आवश्यक बातों को पूरा करना पड़ता है जिसके बाद अनुबंध का निर्माण नहीं होता है। बहुत सारे ठहराव उन सारी बातों को पूरा नहीं कर पाते हैं और केवल ठहराव के लेवल पर समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ठहराव बनने का मतलब ये नहीं है कि अनुबंध का निर्माण हो गया। सारे ठहराव अनुबंध का रूप नहीं ले पाते हैं, वो सभी ठहराव जो कि अनुबंध वैध अनुबंध के सभी लक्षणों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं या किसी एक भी लक्षण में की कमी उनमें रह जाती है तो वो केवल ठहराव के स्तर पे ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ठहराव हैं जो किसी न किसी कारण से अनुबंध का रूप नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो वैध अनुबंध के सारे लक्षणों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे अनुबंध कई ठहराव ऐसे होते हैं जो कि शुरू में ही हमें पता लग जाता है कि ये कभी अनुबंध नहीं बन पाए। जैसे घरेलू और पारिवारिक ठहराव है, परिवार के सदस्यों के बीच हम बहुत सारे अनुबंध ठहराव करते हैं लेकिन वो अनुबंध का रूप नहीं लेते हैं, वो एक सिंपल आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी तरह से सामाजिक ठहराव भी होती है, समाज के बहुत सारे सदस्यों के साथ हम कई तरह के एग्रीमेंट करते हैं, कई तरह के वादे करते हैं, कई तरह की बातें करते हैं और हम उनको पूरा भी नहीं करते हैं, तो वो सामाजिक ठहराव भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हैं, राजनीतिक ठहराव, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। राजनीतिक ठहराव भी कभी अनुबंध का रूप नहीं लेते हैं। राजनीति में बहुत सारे वादे और वचन का आदान प्रदान होता है, कोई पूरा करता है कोई नहीं करता है, और उनके लिए किसी भी प्रकार का अनुबंध का निर्माण नहीं किया जाता है। इसी तरह से व्यापारिक ठहराव भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, तो वो ठहराव भी केवल ठहराव ही बन जाते हैं, कभी अनुबंध नहीं बन पाते।
इसी तरह से कई ऐसे ठहराव होते हैं जिनमें से दोनों पार्टियों में से एक पार्टी ऐसी होती है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति या तो अव्यस्क होता है या मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, तो ऐसे ठहराव भी कभी भी अनुबंध का रूप नहीं।